अगर आप एफ कैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एफ कैट द फर्स्ट चैप की कॉपी जरूर लेनी चाहिए, ताकि आप अपने एफ कैट एग्जाम क्रैक करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सको। और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी कंट्री की एयरफोर्स में ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या फ्लाइट कंट्रोलर के तौर पर सर्व करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये ऐसी वर्क प्रोफाइल है जहां पर आपको मल्टीटास्कर होने के साथ ही आपके पास जल्दी से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पायलट का ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, और एज एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इमरजेंसी सिचुएशन होने के बावजूद पायलट और एयरक्राफ्ट दोनों की सेफ लैंडिंग को इंश्योर करना। और आज की वीडियो में हम ATC और इंडियन एयरफोर्स एयर ट्रैफिक सर्विसेज से जुड़ी जरूरी डिटेल्स को देखेंगे, बट फर्स्ट लेट्स रोल आउट द इंट्रो। ATC का मेन काम होता है टू मेंटेन द फ्लो ऑफ एयर ट्रैफिक, और ये इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट्स को इस तरह से अलाइन करते हैं सो दैट फ्लाइट्स डोंट इंटरफेयर विद ईच अदर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दूसरे ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है टू इंश्योर मिनिमम एरर। और अगर इनकी ट्रेनिंग की बात करें तो मिलिट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बिल्कुल सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह सेम ट्रेनिंग ही दी जाती है, बट द मिलिट्री ATC's ज्यूरिसडिक्शन इज क्वाइट लिमिटेड एज कम्पेयर टू सिविलियन ATC। दरअसल मिलिट्री ATC सिर्फ मिलिट्री फ्लाइट्स को ही हैंडल करती है, वही सिविलियन ATC को हर तरह की फ्लाइट्स को हैंडल करना होता है, इंक्लूडिंग मिलिट्री फ्लाइट्स और एयरक्राफ्ट्स। मिलिट्री ATC's का एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन काफी छोटा होता है, जो कि अपनी लोकेशन से 10-15 माइल्स रेडियस के एयर स्पेस में ऑपरेट करते हैं, जिसके बाद फ्लाइट्स को सिविलियन ATC द्वारा असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। मिलिट्री ATC बिल्कुल सिविलियन ATC की तरह इंश्योर करती है दैट देयर फ्लाइट्स आर वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एयरफील्ड पर 10,000 फीट एल्टीट्यूड तक सभी अराइविंग और डिपार्टिंग मिलिट्री फ्लाइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिट्री ATC की होती है, वही फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज में ये सिविलियन ATC के कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेट करते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विद इन रेंज ऑफ साइट तक एयरक्राफ्ट को मॉनिटर करना, एयरक्राफ्ट के आउट ऑफ साइट हो जाने के बाद फ्लाइट को मॉनिटर करने और असिस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडार यूनिट की होती है, जिन्हें हम रेडार कंट्रोलर बोलते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और फ्लाइट कंट्रोलर दोनों सुनने में एक ही लगते हैं, पर लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रोफाइल है। फ्लाइट कंट्रोलर्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं विच कम्स अंडर एयर ट्रैफिक सर्विसेज ब्रांच। इनका काम होता है इंडियन एयर स्पेस या लैंड में आए एयर बेस थ्रेट्स को डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट करना बिफोर दे डिलीवर एनी रियल डैमेज। फ्लाइट कंट्रोलर्स रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू फाइटर पायलट्स को डायरेक्ट करते हैं अबाउट देयर लोकेशन, एनमीज करंट लोकेशन एंड बेस्ट पॉसिबल स्टेप और मैन्यूवर टू टेक द एनमी डाउन। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बनना चाहते हो तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, जहां पर हम देखेंगे कि आप कैसे इंडियन एयरफोर्स में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन सकते हो, और साथ ही हम देखेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ट्रेनिंग डिटेल्स को। लाइक करें इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।